नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। मधुबनी जिले के जयनगर के अपर अनुमंडल पदाधिकारी की कार्यशैली से एक बार फिर अफसरशाही का घिनौना चेहरा सामने आया है। अपर SDO गोविंद कुमार ने मामूली सी बात पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छीन ली। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मधुबनी जिले के जयनगर में FCI परिसर के मेन गेट पर अपर SDO गोविंद कुमार ने मामूली सी बात पर अपनी अफसरशाही का धौंस जमाते हुए वहां के सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया। इस घटना से दुखी सिक्योरिटी गार्ड बबलू गुप्ता ने कहा कि नौकरी से निकालने पर उनके सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। उनके परिवार में 6 लोग हैं और कमाने वाले वो अकेले। बबलू पूर्व फौजी जवान है। अपर जो महोदय जी है गोविंद जी, वो कल यहाँ करीब 2:45 या 3 बजे के आसपास यहाँ आए और आने के बाद सीधा अंदर घुसे और अंदर जा रहे थे, तो हमने कहा हमारी ड्यूटी है कि FCI में जो कोई FCI का स्टाफ नहीं है या फिर जयनगर का स्टाफ नहीं है FCI का, जो कोई भी अंदर आएंगे वो भीतर बुथ पे एंट्री करके करेंगे और तब अंदर जाएंगे। तो मैंने उनसे ही कहा कि सर आप जो कोई भी है, जो भी काम है, जिसे मिलना है मिलिए, आप हमारे विजिटर बुक पे एंट्री कीजिए, साइन कीजिए और तब आप अंदर जाइए। इतना सा बात के लिए उन्होंने हमको बोला कि तुम 2 तरीके का सिक्योरिटी गार्ड होते हुए तो हमको कह रहा है करने की, तो हमको जानता नहीं क्या? मैं कैसे, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं जानता। ये पीछे तुरंत SDO साहब भी आए। SDO साहब बोले कि ये लड़का ऐसे ही करता रहता है, हमारे बारे में हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता है और अपना पावर का यूज करते हुए कहा कि इसको हटाइए, यहाँ से बदली कीजिए, ऐसे गार्ड को नहीं रखा जाएगा। SDO को बोला है साइन करने के लिए। तो श्रीमान जी, मैं तो अपनी ईमानदारी ड्यूटी किया। उन्होंने FCI के गुडाउन मैनेजर से कई बार हाथ जोड़कर विनती भी की, लेकिन मैनेजर अपर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को कैसे टाले। सिक्योरिटी गार्ड की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा था। उसने अपर अनुमंडल पदाधिकारी को नहीं पहचाना और उन्हें रजिस्टर में एंट्री कर अंदर जाने को कह दिया। जिसको मैं नहीं जान रहा हूँ, मान लीजिए कोई SDO से गाइस आएगा और मैं नहीं पहचानूंगा तो मेरा पूछना फर्ज बनता है, काम बनता है कि आप कौन सर है। आपको याद होगा पुलवामा हमले का, हम सभी ने साथ दिया था पुलवामा हमले में, हमने शहीदों का सम्मान दिया, आप भी दिए, हम भी दिए। उसमें भी क्या हुआ था कि फौजी ड्रेस में गया था आतंकवादी, वहाँ पे ID लगाया था। यदि वो नहीं पहचाना था तो ऐसा हुआ, कल को कोई आदमी आतंकवादी आ जाएगा SDO गाड़ी का नाम बैनर लगा के, उसे छोड़ देंगे, हम नहीं चेक करेंगे, तो कल को कोई घटना घटेगा तो हमारा वो पड़ेगा। करोड़ों रुपया आपने अपना फर्ज निभाया। हमने अपना फर्ज निभाया। करोड़ों रुपया का यहाँ पे अनाज है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और हमको कहा गया कैसा ऐसा बात है बताइए, तो हम अपना ईमानदारी ड्यूटी के, तो हमको नौकरी से हटा दिया गया है और लिखित भी नहीं दे रहा है। आप लिखित ऊपर तक दिए, आप जो आपके जो ऊपर में सर है, हाँ, उसको बताया कुछ? हमने बताया अपना, जो भी हमारे सीनियर सर है, सिक्योरिटी गार्ड है, हमने सबको अपना बताया। तो बोले ठीक है, हम बात कर रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, हमें सस्पेंड किया गया है। तो हमें सस्पेंड क्यों किया गया, हमें नोटिस दीजिए, लिखित दीजिए, क्या कारण है? हम ही आप लोग कौन कौन शामिल है, किस पर आप मतलब हमको जयनगर का अपर SDO और SDO साहब, इन्होंने ही हमें जो भी किया है, हटाने का काम किया है, रिपोर्ट दिया उन्होंने किया है। अपना परिचय बताइए। मैं नाम बबलू गुप्ता हुआ, पूर्व सैनिक, मैं सेना में से आया हूँ रिटायर होकर और यहाँ सेना का यहाँ सभी आदमी ड्यूटी करते हैं। और यहाँ का जो मैनेजर साहब है, हाँ, भाते खान निगम में FCI है जयनगर, इनका मैनेजर साहब के ऊपर से किसी ने प्रेशर दिया है, जो भी किया है उनके प्रेशर से मुझे हटाया, उनकी कोई गलती नहीं। जी, हमारा सीनियर सॉरी भी बोले SDO को, फिर भी वो नहीं मान रहे। सिक्योरिटी गार्ड की इस बात पर अपर अनुमंडल पदाधिकारी तमतमा गए। पहले तो उन्होंने गार्ड को भद्दी भद्दी बातें कही, फिर मैनेजर से गार्ड को नौकरी से हटाने का मौखिक आदेश दे दिया। हालांकि मैनेजर ने गार्ड को नौकरी से हटाने का कोई कारण लिखित में नहीं दिया है। इस बाबत अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार और FCI के मैनेजर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। बता दें कि ये वही अपर SDO गोविंद कुमार हैं जिनका कुछ दिनों पहले सड़क पर बेवजह लोगों को मारने पीटने का वीडियो वायरल हुआ था और इनको भारी फजीहतों का सामना करना पड़ा था। चलो भाग ना, उन्हें फोन करना, यहाँ फोन कर।
बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज। और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।